प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो जो 7th क्लास की NCERT बुक है उसकी एक्सरसाइज 5.2 पे होने वाला है। चैप्टर का नाम है लाइंस और एंगल्स, ठीक है, यानी लाइंस एंड एंगल। आज की वीडियो में बेटा इस जो एक्सरसाइज है इसके सभी क्वेश्चनों को सिंपल और कॉन्सेप्ट तरीके से कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल ईजी तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है और कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यानी कथन दिए हुए हैं। उनमें पूछा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए बेटा। सॉल्यूशन पहला क्या दिया है बेटा इन्होंने, इन्होंने दिया है कि इफ लाइन ए पैरेलल है बी के, देन इन्होंने कहा है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 के। अब हम जाते हैं कि चलो भाई लाइन ए ए रही, बी लाइन ए रही, पैरेलल है, बिल्कुल दिख रहा है। अब इन्होंने एंगल 1 यानी ये वाले एंगल की बात करते हैं, 1 इक्वल्स टू 5। अगर आप देखो इसको मैं साइड में डायग्राम बनाऊँ इसका, तो कुछ इस तरीके से कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अगर आप देखोगे कि कोई ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर एंगल, या तो वो लाइन के दोनों लाइन के जो पैरल लाइन है उनके ऊपर हों या दोनों नीचे हों तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू 5 है, इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसका अगर आपको फुल स्टेटमेंट लिखना है तो ये कहती है बेटा इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के बाद लाइन लगाओ या मतलब है कोई बात नहीं, समझ में आ जाता है कि वो तीरे गिर गए। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ corresponding angles are equal, ठीक है बेटा। तो ये फुल प्रॉपर्टी अगर आपको लिखनी है आप इतना भी लिख दोगे इनफ है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये तो एंगल 4 इक्वल्स टू 6 है, यानी दिया हुआ है हमारे पास में इन्होंने कि एंगल कितना है बेटा, कि एंगल 4 इक्वल्स टू 6 है। यहाँ पे भी हम गिवन ही लिख सकते हैं बेटा, गिवन ही है सारा की सारा। तो एंगल 4 इक्वल्स टू 6 है और देन इन्होंने क्या बोला है कि लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी है। अब इसको कंक्लूड करते हैं कि एंगल 4 इक्वल्स टू 6 यानी 4 एंगल इक्वल्स टू 6 है। अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरीके के एंगल हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये जेड की भी शेप बन रहा है। यानी ये क्या कहता है कि बेटा अगर ये प्रॉपर्टी है हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, कैसे कि अगर दो पैरल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं यानी जो जेड की साइड बनाते हैं या ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। और अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, देखो इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होता है, ठीक है। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में बोला है कि एंगल 4 प्लस 5, 4 एंगल ए रहा और 5 एंगल ए रहा, तो 4 प्लस 5 का जो सम है वो 180 दिया है। इसका मतलब है कि जो पैरल लाइंस है उनके देखो बिल्कुल ही पहले तो वो इंटीरियर है, उनके अंदर की तरफ एंगल आ रहे हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के हैं वो, ठीक है।
तो ये होते हैं हमारे, यानी ऑन द सेम साइड पे हैं, ठीक है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बोल दो, ठीक है। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के दो एंगलों का अगर जो सम है 180 यानी सप्लीमेंट्री होता है, तो ये क्या होता है बेटा, ये तभी होता है जब ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यानी ये लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है हमारे को पहले, तो गिवन है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और देन क्या बोला है इन्होंने कि ए पैरेलल है बी के, इसका मतलब है द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब जिनका जो सम होता है 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी था बिल्कुल, बस हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है, तो जो ईच पेयर होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का वो बराबर होते हैं। दूसरा, जो ईच पेयर होता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल के, वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो एंगल होते हैं सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल के, उनका जो सम होता है सप्लीमेंट्री होता है, मतलब उन दोनों का जो सम होता है एंगल का इंटीरियर, उन्हें इंटीरियर कॉन्जुगेटिव एंगल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इंटीरियर कॉन्जुगेटिव एंगल्स प्रॉपर्टी, हम यू भी बोल सकते हैं बेटा। आप बड़ी क्लास में जाओगे, इन्हें को इंटीरियर या इंटीरियर कॉन्जुगेटिव एंगल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उनका जो सम होता है अगर पैरेलल लाइन पे, पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब उनका जो सम होता है दो राइट एंगल यानी 180 के बराबर होता है, ठीक है। दो राइट एंगल बोला है बेटा मैंने, दो राइट एंगल मतलब होता है 180। तो ये वो प्रॉपर्टी, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल जो इंटीरियर पार्ट में, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अच्छा, यही प्रॉपर्टी थी जो अभी लिख रहे हैं, ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। हमें सब एंगलों को लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। तो चलिए बेटा इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन दिखाना। तो सॉल्यूशन देखो इसका बेटा, पहला द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो मैं ब्रैकेट में उनको लिखूंगा बेटा ताकि आपको समझ में। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जो जैसे दो पैरेलल लाइन है उनके, या तो जो ट्रांसवर्सल है उनके दोनों के सेम साइड पे, अगर लाइन के दोनों के ऊपर है तो नीचे वाली लाइन के भी ऊपर, अगर ऊपर वाली लाइन के नीचे है तो नीचे वाली लाइन के भी नीचे, यानी यहाँ हो जाएगा हमारा एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले 4 का 8 लिख सकते हैं और 3 का 7, और यहाँ से देखें तो 1 का 5 है और 2 का 6 है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले एंगल 1 का एंगल है 5, क्योंकि देखो बेटा ये भी ऊपर है लाइन के और ये भी ऊपर है। फिर है दूसरा पेयर है हमारा एंगल 2 के साथ में, पेयरिंग होगी एंगल 6 की। अब इस साइड आ जाएं ट्रांसवर्सल के, तो एंगल 4 की पेयरिंग जो हो रही है वो एंगल 8 के साथ, और फिर है एंगल 3 की पेयरिंग हो रही है वो एंगल 7 के साथ, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है वो कहता है द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, द पेयर पेयर्स लिखते हैं ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा। तो कौन कौन से अल्टरनेट एंगल के लिए खास पहचान होती है बेटा, जेड, चाहे वो इस तरीके से बन रहा हो या उल्टी, तो उसके ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 2 का 8 के साथ और पेयर बन रहा है, और 3 का 5 के साथ, तो ये हो गए एंगल 2 का एंगल 8 के साथ, दूसरा पेयर बन गया एंगल 3 का एंगल 5 के साथ, ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए, अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं
द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो पेयर बन रहा है, तो देखो टू की साइड, टू की पेयरिंग है हमारी फाइव के साथ में, तो ये हो गया बेटा हमारा एंगल टू की पेयरिंग हो गई एंगल फाइव के साथ, और यहाँ एंगल थ्री की पेयरिंग हो गई एंगल एट के साथ। अब इसका लास्ट पार्ट जो कहता है, यानी फोर्थ पार्ट कहता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का होता है बेटा, जैसे दो लाइन ऐसे क्रॉस करी, तो ये वाला एंगल ऑलवेज इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके। तो हमें देखना है द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ तो ज़्यादा होंगे, तो पहला देखो बेटा, ये लाइन और ये लाइन कट करिए तो वन का थ्री और ऐसी फोर का टू होगा, तो ये पेयर बने हमारा पहला एंगल वन के साथ में एंगल थ्री, दूसरा पेयर बना एंगल फोर के साथ में एंगल टू, और इसी साइड पे आए तो हम एंगल फाइव के साथ में एंगल सेवन, तो एंगल फाइव के साथ एंगल सेवन, और अगला पेयर बना हमारा एट के साथ में सिक्स का, तो एंगल एट के साथ में एंगल सिक्स, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू। आई होप आपको समझ में आएंगे दोनों क्वेश्चन, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए ताकि मैं और क्वेश्चंस करा सकूं। चलिए बेटा, तो अगले क्वेश्चन है बेटा आपके बुक की एक्सरसाइज के, वो है क्वेश्चन नंबर थ्री। कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, फाइंड द अननोन एंगल्स। यहाँ पे दो लाइन दी है, एक लाइन पी दी है और एक लाइन दी है क्यू, और यहाँ पे बहुत सारे अननोन है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, तो ये अननोन, अननोन मतलब ये एक तरीके से अननोन एंगल्स हैं यहाँ पे, तो हमें इन अननोन एंगल्स को हमें फाइंड करना है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसका, बहुत सिंपल है सॉल्यूशन देखा। गिवन दैट पी लाइन पैरल है क्यू लाइन के एंड कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। वैसे तो दिख रहा है यहाँ पे कि एक लाइन ट्रांसवर्सल और दोनों की दोनों पैरल है, तो नाउ अब देखो बेटा, अगर आप यहाँ से देखो तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं एंगल ई और एंगल 125, तो यहाँ लिख सकते हैं हम ई प्लस 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, कारण यहाँ ब्रैकेट में लिख दो लीनियर पेयर, ओके। तो कारण भी लिख दिया हमने, यहाँ से ई के जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 125 उधर जाके ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये आ जाएगी E इक्वल्स टू आएगा 10 में से 5 तो 5, और यहाँ बचे 17 में से 12 तो 5, तो ये आ गई 55 डिग्री आ गई। अब बहुत सिंपल है, अगर आप देखो E यानी एक लाइन ए रही और एक लाइन ए रही, तो E इक्वल्स टू F है यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो E इक्वल्स टू F, और ये भी लिख सकते हैं हम दोनों की दोनों 55 है, यानी ये क्या लिखेंगे, कारण यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप रीजन लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हमारे पास में ई भी आ गया, एफ भी आ गया। अब देखो यहाँ से ये देखो बेटा, ये लाइन पैरल है इसके, तो देखो ये पेन देखो मेरा, ये जेड बन रहा है, तो जो एफ है वही ए होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा हम ए इक्वल्स टू एफ, और दोनों की दोनों की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। इसको क्या रीजन लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा। तो हमने ये भी लिख दिया, अब आते हैं ए निकल गया। अच्छा, ए के बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट में क्या है, सी है, और ए के साथ में अगर ये देखो तो ये पूरा के पूरा 180 डिग्री बन रहा है, यानी हम लिख सकते हैं ए प्लस वी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी हमारा क्या बना रहे, लीनियर पेयर बना रहे, तो इससे क्या आ जाएगा बेटा,
जो ए है वो अभी हमने फाइंड करा है 55 प्लस बी एज इट इज 180 डिग्री, तो बी आ जाएगा 180 में से 55 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 125 डिग्री। यहाँ सही से लिख देता हूँ इसको, थोड़ा 125 डिग्री का एंगल आ गया। अब देखो बेटा, अब मैं वर्टिकली अपोजिट वाले पार्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखो बेटा, ए इक्वल्स टू सी ए और दोनों यानी जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 55 डिग्री है, तो ये हो गया सी की भी 55 डिग्री, तो ये भी क्या है वर्टिकली अपोजिट हैं, ठीक है बेटा, एंगल्स हैं। इसी तरीके से देखें तो वी जो है वो इक्वल्स टू डी होगा और जो बी की वैल्यू है वो है 125 डिग्री, तो ये भी क्या है वर्टिकली अपोजिट है एंगल से। अच्छा, फाइनल आंसर में आपको सारे के सारे जो अननोन है उनको दिखाना है स्टार्टिंग से। तो देखो बेटा, हैंस सबसे पहले हम बात करते हैं, ए की वैल्यू आई है 55, बी की वैल्यू आई है 125 डिग्री और जो सी है, सी कहाँ से देखेंगे बेटा हम, सी हमने फाइंड करा था अभी, जो सी और वो भी क्या है एक इक्वल ही है, तो सी इक्वल्स टू वी 55 डिग्री है और ए बी सी, फिर उसके बाद में डी की वैल्यू देखें, डी कितना फाइंड करा था बेटा हमने, यहाँ आ जाओ, डी किसके इक्वल्स था, बी के इक्वल्स था, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया 125 आ गया। अच्छा, ई कितना निकाला था हमने स्टार्टिंग में निकाला था, ये हो गया 55 और जो एफ है, एफ भी हमारा क्या हो गया 55 डिग्री हो गया, ठीक है, तो ये रहे आपके सभी आंसर, ठीक है। चलिए बेटा, बुक की एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ पे थोड़ी स्पेस कम लग रहा था तो मैंने यहाँ लिख दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ़ लाइन एल इज़ पैरल टू एम, यानी ये फिगर दिए हुए हैं दो, इनमें लाइन एल इज़ पैरल टू एम है, यहाँ पे एल इज़ पैरल टू एम है, तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन फिगर ही बड़े हैं इसके। तो देखो बेटा, गिवन है हमारे पास में लाइन एल इज़ पैरल टू एम, ये सिंबल है पैरल का। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या नोट करनी है बेटा, देखो ये 110 डिग्री का एंगल है, तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना होगा 110 डिग्री होगा। तो अब देखो, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये इन दोनों का जो सम है 180 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे हम, पहले लिख देंगे ये गिवन है लाइन पैरेलल टू एम है एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स भी दिए हुए हैं जो मैंने बराबर लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, x प्लस 110 इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री, कारण सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, क्या होता है बेटा 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री, तो यहाँ से x आ जाएगा 180, 110 को वहाँ ट्रांसपोज कर दिया, माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब आ जाइए बेटा दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं, यहाँ देखो ये लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, गिवन है लाइन L इज पैरेलल टू लाइन B, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर दिखा कि ये इसके पैरेलल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही, तो ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं थी, तो x इक्वल्स टू 100 ही होगा, कारण लिख देना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बस ये लग रहा था बड़ा था, है तो छोटा ही है क्वेश्चन बिल्कुल। चलिए बेटा, तो आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपके अगले क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स, आर्म्स मतलब यहाँ पे साइड है, ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल इफ,
यहाँ पे जो आर्म्स हैं यानी दोनों एंगल की आर्म्स है, जैसे ये एंगल है ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों की जो आर्म्स हैं वो आपस में पैरेलल है, मतलब ये वाली आर्म यानी जो ए बी है वो पैरेलल है डी के, और जो बी सी आर्म है वो ई एफ के पैरेलल है। क्लियर कट नज़र आ रहा है। तो पूछा है इसके अंदर कि इफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी जी सी। डी जी सी यानी हमें ये एंगल निकालना है, फिर दूसरे केस में डी ई एफ, डी ई एफ। चलिए बेटा सॉल्यूशन देखें। पहला गिवन दैट ए बी पैरेलल है डी के, ये गिवन है हमें, तो जो एंगल ए बी सी है वो किसके इक्वल होगा, वो एंगल होगा एंगल डी जी सी के, डी जी सी के, और ये दोनों क्या होंगे हमारे, क्योंकि इन्होंने जो एंगल ए बी सी दिया वो 70 डिग्री है, तो ये भी 70, यहाँ लिख देता हूँ मैं एंगल ए बी सी 70 तो है ही, तो डी जी भी होगा, और रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होते हैं अगर, ठीक है, दो पैर लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी आर्म में गिवन है बी सी आर्म जो है पैरल है ई एफ आर्म के, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो एंगल डी जी सी है, डी जी सी है वो बराबर होगा एंगल डी ई एफ के, ठीक है, और ये दोनों डी जी सी अगर हम देखें यहाँ से इसको फर्स्ट नेमिंग कर सकते हैं, तो डी जी सी की 70 डिग्री है, तो डी एफ भी कह रहा 70 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन है, और रीज़न क्या है, यहाँ पे भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। चलिए बेटा बहुत सिंपल था, सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही थी। चलिए सिक्स क्वेश्चन कहता है, इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड विदर लाइन एल इज़ पैरेलल टू लाइन एम। चलिए बेटा हम देखते हैं कि दिखने में तो हमारे को यहाँ कई बार लाइन पैरेलल लगती हैं, क्या वो वास्तव में पैरेलल है या नहीं है, तो सॉल्यूशन देखो। पहले वाले केस में हम देखते हैं कि यहाँ एल लाइन एम के पैरेलल है, तो ये इंटीरियर एंगल है, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ की, तो देखते हैं कि इनका जो समय 180 आ रहा नहीं आ रहा है, यहाँ पे 126 प्लस 44 डिग्री, तो इनका जो समय आ रहा है 6 4 10, और फिर हो गया हमारा 12 और 4 16 और 1 17, 170 डिग्री, तो लिखेंगे लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू एम, क्यों नहीं हो, Because sum is not 180 degree, ठीक है। चलिए बेटा सेकेंड पार्ट को देखते हैं, सेकेंड पार्ट में ये 75 डिग्री है, तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो यहाँ पे 75 प्लस 75 इक्वल्स टू आ रहा है 150 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे भी पहला नहीं है, तो लिखेंगे लाइन L is not पैरल टू एम बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर, लिख देते हैं बेटा इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इज नॉट 180 डिग्री, या लिख दो बिकॉज सम इज नॉट 180 डिग्री, तो भी वर्क हो जाएगा। थर्ड बात करते हैं बेटा, थर्ड केस में देखते हैं कि यहाँ पे, अच्छा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा इसके यहाँ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा, मैं हल्का सा लिख देता हूँ 57 लिख देता हूँ, तो यहाँ देखते हैं 123 प्लस 57 डिग्री, तो ये जाएगा 3 और 7 10, और 2 और 5 7, और ये हो गया 8, और ये हो गया 180 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे लाइन एल इज पैरेलल टू एम, दैट इज एल लाइन इज पैरल टू एम एम, रीज़न क्लियर है कि जो सम है वो 180 डिग्री आ रहा है इंटीरियर
एंगल्स का या इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स का या को इंटीरियर एंगल का जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। चलिए फोर्थ पार्ट करते बेटा। अगर ये एंगल हमारा 72 डिग्री है तो इसके वर्टिकली अपोजिट भी 72 होगा, तो यहाँ पे 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री, तो 8 और 2 10 का 0, 9 और 7 आपके 16 और 1 17। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे बेटा, लाइन L इज नॉट पैरेलल टू M। कारण आपको पता ही, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज नॉट 180 डिग्री। ठीक है, तो सिंपली आप सिर्फ लिख सकते हो सम वन नॉट, जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल नहीं है, या आप लिख दो। मैंने तीनों केसेस में अलग अलग लिखा है। यहाँ पे लिखा है मैंने सिर्फ एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज सम इज़ नॉट 180 डिग्री। यहाँ पे लिखा है लाइन एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल इज नॉट 180 डिग्री। अब थर्ड केस में देखो, मैंने लिखा है द लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज नॉट 180 डिग्री। तो आप तीनों में से किसी भी केस को फॉलो कर सकते हो जो आपको बेटर लगे, कोई सा भी कारण लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बेटा।